हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज फिर हम जो है टॉपिक कंटिन्यू करेंगे प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन आईआईटी जेई में रिपीट हो रहे हैं या बार बार इस तरह के आते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे। और साथ में नए कॉन्सेप्ट, नई थ्योरी, जैसे इनफाइनाइट जेपी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक, फर्स्ट जैसे लास्ट टर्न पे हमने एक सवाल दिया था, उसको घर से करने के लिए कहा था। जैसे इफ एम एंड आर एन टू इवेंट, एम एंड एन कैसे इवेंट हैं, दो इवेंट हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी, दो की प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है एम एंड एन, यानी एक प्रोबेबिलिटी क्या आ गई पी एम, दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई एन। अकरेंस एग्जैक्टली वन ऑफ द, इनमें से एक कौन सी अकरेंस होती है, चला गया। तो अगर इस तरह का हो देन तब क्या होगा, देन तब पी एम प्लस पी एन माइनस टू पी एम इंटरसेक्शन एन, पी एम प्लस पी एन माइनस पी एम इंटरसेक्शन एन। ये बोलते हैं इसको बार, इसको क्या बोलते हैं बार, यानी कि पी एम बार या पी एम डैश प्लस पी एन डैश माइनस टू पी एम इंटरसेक्शन एन, यह कहते हैं एम एम इंटरसेक्शन एन प्लस पी एम डैश इंटरसेक्शन एन। ये इस तरह का कोई क्वेश्चन है, तो इसको जो है ये देखना है। ये बोलते हैं मल्टी करेक्ट ऑप्शन, आंसर मल्टी करेक्ट, कि इसमें से कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। इसको समझने के लिए पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम। जैसे मान लीजिए एम है, ये कितना है एन है, ठीक। ये कौन सा पार्ट्स है एम, ये कौन सा पार्ट्स है एम, ये तो एम है, ये है एन है, और ये जो है ये हिस्सा, ये बीच का कहलाता है, कल भी बताया था एम इंटरसेक्शन एन, ठीक। यानी कि जो जो एम का जो हिस्सा है, ये जो एम का हिस्सा है, ये दो, ये एम का हिस्सा है, ये इसमें ये आ रहा है, ये ठीक। इसी सिमिलरली एन का हिस्सा है ये, इसमें भी आ रहा है। अगर मुझको पी एम प्लस पी एन करना हो, तो ये एम इंटरसेक्शन जो है दो दो बार आ रहा है। एक बार तो एम इंटरसेक्शन एन किसका हिस्सा है, ये एम की वजह से, और दूसरी बार किसके हिस्से आ रहा है, ये एन की वजह से। तो ये जो पहला ऑप्शन है, इनकी पी एम प्लस पी एन माइनस टू पी एम इंटरसेक्शन एन, ये ठीक हो गया एक्यूरेट, क्योंकि पी एम कितना आ रहा है, ये इसकी पी एम है, ये कितना है पी एन है, इसमें से दो बार घटा दिए एरिया, तो पी एम प्लस पी एन आ जाएगा, सीधी सी बात है, ये घटा देंगे दो बार, क्या आ गया पी एम प्लस के पी एन, क्योंकि बार बार ये दो बार रिपीट हो रहा है एक की वजह से, एक ये तो ठीक है, करेक्ट आंसर। जब ये सही है तो ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दो है, इसमें वन है, पी एम प्लस पी एन माइनस, ये तो ओबियसली दैट इज नॉट करेक्ट, ए इज करेक्ट। अब इसको सी को, इसको सी को देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं सी को, जैसे पी एम बार या पी एम डैश।